नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन क्वाइन मिल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट की, जो कि 3 लाख रुपये में बिका है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना है, 5 रुपये का ऐसा ट्रैक्टर वाला नोट 3 लाख रुपये तक में भी सेल हुआ है। और इसकी जानकारी हम प्रूफ के साथ आपको देंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहें। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अभी लाइक आप जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला किस गवर्नर का नोट आपके पास इस समय मौजूद है। दोस्तों, ऐसे 5 रुपये के जो ट्रैक्टर वाले नोट हैं, उनको 2 वेराइटीज में जारी किया जा चुका है। एक वेराइटी पर आप अशोक स्तंभ को बना हुआ देख सकते हैं, जबकि दूसरी जो वेराइटी है उस पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर को छापा जाता था। ऐसे ट्रैक्टर वाले नोट जो सबसे पहले जारी किए गए थे, वो जारी हुए थे श्री एस जगन्नाथन जी के हस्ताक्षर के साथ, और इन्हें सबसे पहले जारी किया गया था 24 मार्च 1975 को। दोस्तों, YouTube पर काफी सारी ऐसी वीडियो मौजूद हैं जिनमें इस ट्रैक्टर वाले नोट को लाखों और करोड़ों तक में बताया गया है, पर मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि ऐसे ट्रैक्टर वाले हर नोट को कीमती आप नहीं मान सकते, क्योंकि अगर कोई नोट लाखों रुपए तक की कीमत रखता होगा तो उसका बहुत ही ज्यादा रेयर होना जरूरी है, यानी उसकी इतनी सीमित मात्रा मौजूद हो कि कोई भी कलेक्टर उसे ऊंची कीमत पर खरीद ले। तो हम जान लेते हैं ऐसे कौन से नोट होते हैं जो कि कलेक्टर काफी ऊंची कीमत पर बाई कर लेते हैं। तो नोट में सबसे पहली खास बात आपको ये देखनी पड़ेगी कि क्या नोट के सीरियल नंबर जो हैं वो कोई फैंसी सीरीज वाले हैं, यानी नोट पर कोई सेम सीरियल कई बार रिपीट हुआ है, जैसे कि एक जो है वो 6 बार रिपीट हुआ हो किसी नोट पर, तो ऐसे नोट को आप कीमती मान सकते हैं। और अगर ऐसा नोट पुराना हो और रेयर भी, तो ऐसे नोट की आपको काफी अच्छी कीमत मिल सकती है। नोट में दूसरी खास बात ये हो सकती है कि आपका नोट कोई एरर वाला नोट हो, यानी नोट की छपाई के समय उस पर कोई एरर आया हो, तो ऐसे नोट भी काफी ऊंची कीमत पर सेल हो जाते हैं। और अगर आपका नोट जो है वो कोई पुरानी सीरीज का हो, तो इसकी और भी ज्यादा कीमत आपको मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों आते हैं ऐसे कुछ नोट जो कि स्पेसिमेन कहलाते हैं, यानी जब किसी नोट को लॉन्च करना होता है तो सरकार ऐसे कुछ नोट छापती है जिनके सीरियल नंबर में सारे ही अंक 0 होते हैं। ऐसे नोटों को स्पेसिमेन नोट कहा जाता है, और ये जो नोट होते हैं वो आम चलन के लिए जारी नहीं किए जाते, सरकार इन्हें केवल प्रदर्शन के तौर पर ही जारी करती है। और ऐसे ही एक नोट को कुछ समय पहले 3 लाख रुपए में एक ऑक्शन के दौरान सेल किया गया है, और ये ऑक्शन क्लासिक न्यूमिस्टिक गैलरी के द्वारा आयोजित किया गया था। ये ऑक्शन हाउस गुजरात में स्थित है और देश का एक जाना माना नाम है। 5 रुपए के ऐसे स्पेसिमेन नोट जो है वो सीमित मात्रा में ही मौजूद है, जारी इनके कुछ गिने चुने ही नोट भारत भर में मौजूद हैं। ऐसे नोट लाखों रुपए तक में भी सेल किए जाते हैं, पर दोस्तों अगर आपके पास 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला ऐसा कोई कॉमन नोट होगा तो वो आपको इतनी कोई ज्यादा कीमत नहीं दिला सकता। आप में से ही कुछ बड़े कलेक्टर्स भी होते हैं जिनके पास ऐसे रेयर नोट भी निकल आते हैं, तो अगर आपको भी ऐसे कोई रेयर नोट सेल करने हो तो आप टोडी वाला या क्लासिक न्यूमिस्टिक गैलरी जैसे बड़े कॉइन ऑक्शन हाउस में जाकर अपने नोटों को सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो थी 5 रुपए के ऐसे ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में जो कि 3 लाख रुपए में सेल हुआ है। अगर आपको भी ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही उसके बाद एक घंटी बन के आएगी, उसे भी आप जरूर क्लिक करें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कोई रेयर नोट या सिक्के मौजूद हैं जिन्हें आप सेल करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट indiancoinmill.com का यूज़ करके अपने नोटों और सिक्कों को सेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर अपने नोटों और सिक्कों के एड्स पोस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई बायर इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको यहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट को आप वहां से डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और अपने नोटों और सिक्कों के एड्स वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूं आपका दिन मंगलमय होगा।